हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज की इस वीडियो में कोई ऐसा व्लॉग नहीं है, कुछ ऐसा मतलब नहीं है, बस ऐसे ही जो कुछ आज चल रहा है आजकल सोशल मीडिया पे आप देख रहे होंगे उसी के बारे में बात करनी है। क्योंकि समझ नहीं आ रहा कि पहले जिस इंसान के लिए मतलब आप सबसे लड़ने को तैयार होते हैं और जब वो इंसान आपको मिल जाता है फिर आप उसी से लड़ने लग जाते हैं पूरी दुनिया के लिए। तो ये क्या मतलब प्रॉब्लम है, समझ नहीं आ रहा क्या दिक्कत है। क्योंकि सोशल मीडिया पे आप देख ही रहे होंगे जितने भी मतलब कपल्स हैं, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, सब में कुछ ना कुछ चल रहा है। अभी मैं ज़्यादा व्लॉग्स वगैरह तो नहीं देखता, पर जितने भी मतलब बंटी देखती हूँ उसमें से मैं जिनको जानता हूँ, एक तो वो ग्लैम कपल और दूसरा कोई पारस ठकराल और स्नेहा सचदेवा। तो इनका ऐसे ही बंटी मतलब बता रही थी कि ऐसे मतलब काफ़ी इन्होंने लव मैरिज भी की, काफ़ी टाइम से रिलेशनशिप में थे, फिर इनकी शादी हुई और अभी इतने टाइम के बाद मतलब इनका ब्रेकअप हो रहा है, ये अलग हो रहे हैं। तो ये काफी मतलब ऐसा समझ नहीं आ रहा कि क्या रीजन है इस चीज के पीछे। तो वही बस ग्लैम कपल मेरे फेवरेट थे, तो ग्लैम कपल की मैं हर वीडियो देखती थी। हिमांशी और ऋषि दोनों की मैं हर वीडियो देखती थी, कोई वीडियो नहीं छोड़ती थी। हनी में से बोलते थे इनको क्यों देखते हो। वो मेरे फेवरेट कपल थे, सबके अपने अपने होते हैं, सब किसी की वीडियो देखता है, कोई किसी की वीडियो देखता है। मैं हिमांशी और ऋषि की वीडियो देखती थी तो मैं उनसे अच्छे मतलब कपल अच्छे हैं, उनकी वीडियोस भी अच्छी थी, मैंने भी एक दो बार देखा है। बंटी जब देख रही होती मैं साथ में देखता कि तभी मैं उनको जानता हूँ कि हाँ ये भी कोई कपल हैं जिन्होंने लव मैरिज की और ब्लॉगिंग करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, आउट ऑफ इंडिया भी उन्होंने काफी टूर्स किए थे। और उनको देख के मतलब आप यूं देखेंगे, अगर आप उनके ब्लॉग्स देखते हैं उनके जैसे सपने देखते हैं तो आपको यूं लगेगा कि यार कितना खुश खुश रह रहे हैं ये। पर वही है कि पता नहीं चलता कि इंसान की पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। सब कुछ चीज़ें आप सोशल मीडिया पे भी नहीं दिखा सकते, कैमरे के ऊपर नहीं दिखा सकते। और काफ़ी अच्छी बात कही है उसमें हिमांशी ने जो लास्ट वीडियो डाली है इस टॉपिक पे, वो आप एक बार देखिए आपको पता लगेगा। तो आपने देखा कि सही बात है ये कि हम सब चीज़ कैमरे के ऊपर नहीं दिखा सकते। कैमरे पे वही है ना कि एक्ट करना होता है, तो आपको अच्छी अच्छी चीज़ें दिखानी होती हैं, आपकी जो पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं आप उनको शेयर नहीं कर सकते। मतलब कुछ लोग करते हैं पर उस हद तक नहीं कर सकते कि आप सब कुछ ही अपना बयां कर दो। वो इसीलिए किसी को भी विश्वास नहीं हुआ जब ये न्यूज़ आई कि वो लोग अलग हो रहे हैं, उनके बीच में कुछ ऐसा चल रहा है। बट अभी उन्होंने जब डिक्लेयर किया तो सबको धक्का लगा। और यही नहीं, ग्लैम कपल ही नहीं, अभी एक और कपल है जो काफ़ी मतलब वायरल हो रहा है सेपरेशन के लिए, वो भी बहुत अच्छा कपल था, पारस ठाकराल और स्नेहा सचदेवा। आप भी देखते हो उनको? नहीं, मैं नाम सुना है दोनों का मतलब, पर मैंने कभी वीडियो नहीं देखी उनकी, मैं बाय फेस भी नहीं जानता मतलब। बहुत अच्छे कपल हैं, स्नेहा सचदेवा ने बहुत मेहनत की थी, मैंने देखा उसके वीडियोस वगैरह में, उसने बहुत मेहनत की थी, पारस को इतना ऊपर उठाया उसने। और अभी पारस और स्नेहा के बीच कुछ हुआ होगा, हम तो नहीं जानते ये सब क्या हुआ है क्या नहीं, लेकिन पारस ने उसके साथ अभी बहुत बुरा किया। स्नेहा का एक बेटा भी है जिससे अभी पारस उसे मिलने नहीं दे रहा है। बताओ, तो बहुत मतलब स्नेहा ने बहुत मेहनत की है 4 साल में, एक लड़की है जो इतना मेहनत कर रही है और फिर भी पारस ने उसका यूट्यूब चैनल डिलीट कर दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए, चैनल डिलीट कर दिया, ये चीज़ें देखो नहीं होनी चाहिए। अगर आप दोनों के बीच में कुछ भी अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई प्रॉब्लम है, तो बेटर है कि आप उसको सेपरेटली शेयर करें, अपना क्लोज करें। और ये तो कभी नहीं करना चाहिए कि आप आजकल यूट्यूब चैनल आप समझते होंगे पूरा प्रोफेशन है, अगर यूट्यूब पे आप हैं एज ए यूट्यूबर आप हैं, और अगर कोई आपका चैनल डिलीट करता है मतलब जो आपका प्रोफेशन है वो आपका मतलब उसने उसके प्रोफेशन के साथ खिलवाड़ किया, उसके रिलेशन के साथ खिलवाड़ किया है, मतलब ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर आपके दोनों के बीच में कुछ चल रहा है ना तो एक दायरे में ही रखना चाहिए, सोशल मीडिया पे इतना मतलब बहुत एक्सपोज कर रहे हैं दोनों एक दूसरे को, ये तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और ये बहुत छोटी बात नहीं है, और ये कोई बहुत ही फन में करी गई और एकदम मतलब ईगो में करी गई ये वाली कोई बात नहीं है। सिचुएशंस वर्स से वर्स हो जाती हैं, उसके बाद में ऐसा स्टेप लेना होता है, और रीजंस हैं, खूब सारे रीजंस हैं, और मेरी फैमिली है, सब कुछ है, मैं सोशल मीडिया पे कैसे आकर इस बारे में बात करूं, मुझे खुद ही वीडियो बनाने में इसमें डर लग रहा है कि मैं कैसे आऊं और ये सब बातें कैसे करूं। मतलब ये बातें सोशल मीडिया पे कितने लोग देख रहे हैं, शायद अगर आप ही मेरी जगह होते तो आप लोग इस बारे में इतनी बातें कर नहीं पाते, मतलब इतना ज्यादा सोशल मीडिया पे ओपन नहीं हो पाते, हम लोग को एक प्राइवेसी हो। अभी जैसा कि बंटी ने बताया कि ग्लैम कपल फेवरेट कपल हैं बंटी के, इनको देख के इंस्पायर होती थी, मतलब सोचती थी कि भाई हम भी ऐसे घूमेंगे या वो सब करेंगे। तो जो भी ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं ये सब मतलब इन सबको देख के लोग मोटिवेट होते हैं। तो ये चीज़ें जब न्यूज़ में आती हैं कि ब्रेकअप हो गया, सेपरेट हो रहे हैं, डाइवोर्स हो रहा है,
ग्लैम कपल को तो देख के मुझे एक बहुत धक्का लग रहा है, मतलब यार इतने हैप्पी रहते थे वो, फिर भी क्या हुआ पता नहीं। ये चीजें काफी हर्ट करती हैं और मतलब इस चीज का असर काफी लोगों के ऊपर पड़ता है, तो मतलब उम्मीद तो यही है कि ऐसी चीजें ना हो। देखो हमने तो वही बताया है जो मतलब सोशल मीडिया पे फैल रहा है, हमने वही बताया, हमने कुछ अपना पर्सनल नहीं बताया, सब कुछ सोशल मीडिया पे आपको दिख जाएगा अगर आप देखना चाहोगे तो। पहले तो आप लोग इतने प्यार भरी वीडियो डालते हैं, फिर आपस में एक दूसरे को इतना एक्सपोज करते हो, सेपरेशन की वीडियो डालते हो, मतलब ये सब नहीं करना चाहिए। अगर आप दोनों के बीच में कुछ हो रहा है ना, तो इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजें दे रखी है, कोर्ट है, पुलिस है, उन सब चीजों की हेल्प लेनी चाहिए ना, कि कोई एक दूसरे को एक्सपोज करना चाहिए। वही है ना कि मतलब आप लोगों को देख के अब जैसे हम सोचते हैं वाह यार कितने अच्छे कपल हैं, कितने अच्छे से रह रहे हैं, फिर एकदम से ये न्यूज सुनने को मिलती है तो बड़ा धक्का लगता है। मतलब ये एक्सपेक्टेशन होती नहीं किसी को कि इनके साथ भी कभी ऐसा हो सकता है या फिर इनके साथ भी ऐसा है। लोग ये सोचते हैं यार वो तो बहुत अच्छे से रह रहे हैं और बाद में पता चलता है कि वो तो उनका ये सब है। वैसे होता है बिहाइंड द कैमरा, मतलब होती हैं लड़ाइयां तो हर कपल में होती हैं, पर मतलब आप इतना प्यार दिखा रहे हो उन कैमरा, ठीक है, और थोड़े दिन बाद आप इतना मतलब गंदा बोल रहे हो उनके लिए, ऐसा कुछ तो होना नहीं चाहिए। हिमांशी की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी थी कि उसने ऑन कैमरा कुछ भी नहीं बोला। हाँ, उनका ऐसा कुछ सुनने में नहीं आया, बस ये सुनने में आया था कि अलग हो गए, बस उसके बाद क्यों हुए, क्या रीजन है, उसने क्या एलिगेशन लगाया, उसका क्या, कुछ नहीं, नथिंग, बिल्कुल आराम से सब कुछ हो गया उनका। तो इन सब चीज़ों के पीछे क्या रीज़न है वो तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि जो सुनने में आ रहा है सिर्फ वही हम बता सकते हैं जो उन्होंने शेयर की हैं चीज़ें। और एक जो मेन रीज़न है इन चीज़ों के पीछे कि अगर आप दोनों के बीच में मन मुटाव होता है, भेदभाव होता है, तो उसका एक मेन रीज़न हो सकता है ईगो और एटीट्यूड। आजकल लोगों का ईगो बड़ा जल्दी हर्ट होता है, एटीट्यूड आ जाता है जब मतलब आप थोड़े से नेम फेम होता है, तो थोड़ा पैसा भी बीच में आ जाता है जब मतलब लड़की ज़्यादा मेहनत कर रही है तो उसको ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, लड़का कम कर रहा है तो फिर लड़की। अब वही चीजें हैं कि मतलब अगर आपको यूं लगता है मैं ज्यादा पैसे कमा रहा हूँ, आप कम पैसे कमा रहे हो, या फिर मेरा नाम ज्यादा है, लोग मेरे को ज्यादा जानते हैं, आपको कम जानते हैं, वो चीजें फिर आदमी के दिमाग में थोड़ा सा माइंड में सेट हो जाती हैं, तो उसको यूं लगता है कि बस मेरी वजह से ही सब कुछ चल रहा है। ये नहीं पता होता कि लोग आपको क्यों देख रहे हैं, क्योंकि आप एक साथ हो इसलिए आपको देखते हैं, इसलिए आपको मतलब फॉलो करते हैं। ये चीजें आपको माइंड में रखना है कि ईगो एटीट्यूड आपको साइड में रखना है अगर आपको रिलेशन बचाना है तो, और पैसे को इम्पोर्टेंस कम देना है। पैसा जरूरी है लेकिन इतना भी जरूरी नहीं कि आप अपना जो लाइफ पार्टनर है उसकी कदर ना करो। इसके अलावा एक रीजन ये भी है कि सोशल मीडिया, आपको पता होगा कि 5 मिनट की वीडियो अगर आप सोशल मीडिया के लिए बनाते हो तो उसके पीछे आपका 1.5-2-3 घंटे का टाइम लगता है, पूरा दिन लग जाता है एक वीडियो में। और अगर ज्यादा टाइम आप फोन पे, मोबाइल पे, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे अगर लगे रहते हैं तो एक जेन्युइन सी चीज है कि आपका इरिटेशन लेवल बढ़ जाता है, आपको इरिटेशन हो जाती है, तो इस वजह से भी मतलब आप हाइपर होते हैं या फिर कुछ गाली गलौज हो जाता है या फिर हाथापाई होती है, तो वो एक गलत चीज होती है। ये चीजें नहीं होनी चाहिए, इन सब चीजों को आपको इग्नोर कर। तो ये कुछ चीजें हैं यार जिन्हें हम मतलब इग्नोर करके अपने रिलेशनशिप को बचा सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं अपने रिलेशन को। बाकी कुछ नहीं, जो था मतलब हमें लगा कि कुछ शेयर करना चाहिए आप लोगों के साथ, काफी मन में ये था, दिल में मतलब कि यार गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है, जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप इन लोगों को जानते हैं, इनके ब्लॉग्स देखते हैं, तो आपको पता होगा कि क्या होना चाहिए था और क्या नहीं होना चाहिए। That's it. तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं।